हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं फिलहाल से। टॉपिक आता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हम चैप्टर चालू करने वाले हैं सेमेस्टर 5 का, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगर किसी की बुक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, सेमेस्टर 5 में है वो वाला, और बीकॉम प्रोग्राम में पढ़ रहे हो, कौन से में? बीकॉम प्रोग्राम के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो आपके लिए बुक एप्लीकेबल हो जाएगी, प्ले लिस्ट आपके लिए बनी रही है पूरी पूरी, ठीक है। हाँ जी, आपने पूरी प्ले लिस्ट चेक कर ली होगी। फिलहाल शुरू करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है? एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। आपको एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के बारे में सीख रहा है, यानी जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके आसपास के लोग कैसे डेवलप होते हैं, उसके आसपास के, यानी वो किस तरीके से अपना बिजनेस सेटअप करता है अकेले होने के बाद भी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको सीखनी है, समझिए आप ध्यान से। बेसिक से गरीब हो तब भी आप एंटरप्रेन्योर। भाई बाइक वाला तो तंग आ गया हूं मैं, कुछ कर दो तुम बाइक वाला, वरना मैं कुछ काम बिठाऊंगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, तो भाई ऐसे ऐसे भाई के बाद चलाया करो जैसे तुम पी करते चलते हो, ठीक है, शांति से रहना चाहिए दुनिया में। फिलहाल भाई एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के बारे में चालू करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सीखना है बिजनेस मैन अगर गरीब से गरीब है तो वो कैसे अपने आप को डेवलप कर सकता है, या फिर किस किस चीज़ों की हेल्प ले सकता है। तो इसके अंदर हम सीखेंगे क्या बोलते हैं, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप कैसे काम करता है, या फिर एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं उनके बारे में सीखेंगे, कैसे काम करते हैं वो एंजल इन्वेस्टर, या फिर हम सीखेंगे भाई बिजनेस इंक्यूबेटर के बारे में सीखेंगे, ठीक है, कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं बिजनेस मैन की। हाँ जी, तो चालू करने से पहले एक छोटी सी चीज, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो बहुत मिनिमम अमाउंट में पे करके, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो, आसान से। हाँ जी, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए तो क्या होता है, आपको नोट्स मिल सकते हैं, बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे करना होगा, ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। जबकि क्या बोलते हैं, अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो 500-600 पेज की बुक पढ़ने से अच्छा भाई पेपर आने वाले हैं पास में, हाँ जी, तो आप क्या बोलते हैं 50-60 पेज का होगा आराम से नोट्स, ब्रीफली नोट्स कर रखे हैं, जैसे कंसाइज कर रखे हैं, जैसे ये है ना, इसमें तो फिर भी खाली पॉइंट्स लिखे हैं, उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है ताकि आप हर एक पॉइंट को आराम से समझ पाओ, ठीक है। यहाँ पे होता है जैसे एडवांटेज मैंने उतारे नहीं, 2-3 एडवांटेज बता देता हूँ, हाँ जी, डिसएडवांटेज 2-3 डिसएडवांटेज बता देता हूँ ताकि आप बाकी बना के अपनी तरफ से कर पाओ, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीजें नहीं बन पाएगी ना भाई, क्योंकि चैप्टर बड़े होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा शॉर्ट्स में होता है, लेकिन नोट्स के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी, ब्रीफली मिलेंगी। लेकिन ये भी है कि भाई ज्यादा बड़े भी नोट्स नहीं होते हैं, वो 50-60 पेज के अंदर होते हैं, तो आपको 500-600 पेज की बुक नहीं पढ़नी पड़ती, आपको 50-60 पेज की बुक भी पढ़नी पड़ेगी और उतने में आपका काम हो जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे राइटिंग से बना रखे, क्योंकि मेरे को पता है भाई मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, तो इस वजह से मैं राइटिंग नहीं करता, ठीक है। हाँ जी, तो इस वजह से जो राइटिंग है, मतलब लिखने का जो काम है, वो सारा का सारा, मतलब कि राइटिंग मेरी नहीं है, नोट्स मेरे में नहीं है भाई, वो अरे यार शांति नहीं रखेंगे थोड़ी देर अभी, सॉरी भाई मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। अच्छा भाई, तो इतने ज्यादा मेरी राइटिंग गंदी है तो मैं उतना लिखता नहीं हूँ, ठीक है, जैसे कि आपको पता है वीडियो में तो समझा देता हूँ ना चीजें क्या लिखा हुआ है मैंने, तो बताई जब दूं आपको आराम से तो वो समझ में आ जाता है, लेकिन भाई उसमें कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स मिलेंगे आपको, मिनिमम अमाउंट जो भी होगा आप इस नंबर पे पेमेंट करके आराम से, मतलब इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना इस नंबर पे, तब आपको बता दिया जाएगा पेमेंट कैसे करनी है और आपको क्या होता है नोट्स कैसे परचेज कर सकते हो आप, आसान है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं फिलहाल से फटाफट से आपके अपने टॉपिक पे, चैप्टर नंबर 6 चालू कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 कौन सा है? एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बारे में सीखेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है क्या? सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, ठीक है सर। हाँ जी, तो नोट्स का थोड़ा जल्दी है भाई, क्योंकि उससे हमको भी सपोर्ट मिलता रहता है, आपको भी सपोर्ट मिलता रहता है, हमको मोटिवेशन मिलता रहता है कि भाई काम करें और अच्छा आपके लिए, ठीक है, आपको कंटेंट प्रोवाइड करें बढ़िया बढ़िया तरीके से। शुरू करते हैं फिलहाल, तो पहला टॉपिक आता है भाई सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, जिसके बारे में आपने पहले से ही सीख रखा है कई बार। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के बारे में चालू करते हैं, तो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होता क्या है? इट कंसिस्ट पुअर पीपल वो सफर फ्रॉम, जो सफर करते हैं सिमिलर प्रॉब्लम्स, समझिए सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है क्या भाई। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप क्या होता है, जैसे गांव में होता है ज्यादातर मैंने देखा है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, मान लेते हैं एक किसान है, बहुत सारे किसान है गांव के अंदर, उन्होंने सबने क्या बनाई, प्याज जुगाई, क्योंकि उन्होंने देखा प्याज का भाव मार्केट में चल रहा है 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, तो इस वजह से उन्होंने देखा प्याज इतनी ज्यादा महंगी है, तो क्यों ना हम इस बार भी प्याज ही उगाए, तो उन्होंने प्याज उगाने की सोची और उन्होंने प्याज उगा दी, ठीक है। और वो जा रहे हैं साहूकार को माल बेचने के लिए होलसेल में, क्योंकि भाई किसान है, गली गली में तो लेके फिर नहीं सकते, घूम तो नहीं सकते, तो इस वजह से वो जा रहे हैं साहूकार को माल बेचने के लिए। अब साहूकार उनके साथ धोखाधड़ी करता है, साहूकार पहले किसान से बोलता है भाई जो तुम्हारे बगल वाला किसान है ना दूसरा किसान, वो मेरे को दे चुके दे जा चुका है 5 रुपए किलो प्याज, अगर तेरे को देना हो तो दे, वरना इससे महंगे में मैं लेऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास स्टॉक पहले से ही पड़ा है प्याज का, आसान है, बाकी बिकने वाली नहीं है। अब किसान क्या करे, गली गली में घूम के तो बेचेगा नहीं, क्योंकि किसान को बेचना थोड़ी ना आता, किसान को माल बनाना आता है, तो जितने में वो बेचेगा 6 महीने 7 महीने लगेंगे उसे प्याज बेचने में, उतने में तो नई फसल पका के तैयार कर देगा वो,
समझ में। और मान लो अगर उसने बेचने भी लगा दिए तो अगले महीने छह महीने क्या करेगा वो भाई, क्योंकि उसने कोई फसल तो उगाई हो नहीं वहां पे। तो इस वजह से, इस प्रॉब्लम्स की वजह से इनको क्या करना पड़ता है, इसी को बेचना पड़ता है और इनके साथ ये क्या करता है, ठगी करता है। तो अभी इस टाइम पे क्या किया, ये जो छह सात किसान थे इन्होंने मिलके एक साथ इकट्ठा होके एक बना लिया सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। क्या बना लिया, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। ये अपनी जमीनें जोड़ देते हैं, जितना भी प्रोडक्शन उगाते हैं ये सारे मिलके खेती करते हैं एक साथ। मतलब कि अगर मान लो किसी की जमीन थी जहां पे क्या बोलते कोई काम करने वाला बंदा नहीं था, ये सारे मिलके जाते हैं और वहीं पे काम करते हैं, वहां पे अनाज वगैरह उगाते हैं, फिर वो लोग हेल्प करते हैं इनकी। मतलब सारे सारे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, अनाज उगाने में भी, अनाज को इकट्ठा करने में भी, अनाज की कटाई में भी, अनाज की बुआई में भी, सब चीज में सिंपल था। और जितना भी प्रोडक्शन होता है वो एक बार में लाके इकट्ठा कर लेते हैं और इन्हीं में से दो बंदे चले जाते हैं, क्या बोलते हैं, उन माल को बेचने के लिए। मतलब कि गली गली में फिर के ताकि महंगे दामों पे, बढ़िया दामों पे उस माल को बेच पाए, चाहे वो होलसेलर ले चाहे वो रिटेलर ले ले, आसान है। तो वो बढ़िया दामों पे उसको बेचते हैं दो बंदे मिलके, ठीक है। और बाकी जो छह बंदे हैं वो अगली बार दोबारा से प्रोडक्शन में लग जाते हैं और सभी के जो खेत होते हैं उनको जोतना चालू कर देते हैं, आसान है। हाँ जी, इरीगेशन का काम चालू कर देते हैं दोबारा से कहाँ पे, खेतों के अंदर। यानी कि ये सब जो लोग हैं, ये सारे के सारे लोग मिलके एक फॉर्म कर लेते हैं क्या, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप मतलब अपनी इच्छा से, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी और ने फोर्स किया या फिर सैलरी दिया भाई उसकी हेल्प करनी है तो उसका माल बिकवाना है, नहीं, अपनी इच्छा से जो कुछ लोग मिल जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि एक दूसरे की हेल्प कर पाए। अगर इसको जरूरत पड़ी है तो इसको हेल्प कर दे, इसकी जरूरत पड़ी है तो इसको हेल्प करे। जैसे कि हमारे यहाँ पे ना कमेटी वाला सिस्टम होता है, अब पता नहीं आपके वहाँ पे होता है या नहीं होता, हमारे लोकल भाषा में उसे कमेटी बोलते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल के तौर 10 फैमिली हैं या फिर अलग अलग परिवार हैं, ठीक है, तो 10 फैमिली के मेंबर क्या करते हैं, उनमें से कोई सा भी एक मेंबर आ जाता है और बोलता है हम ना 5,000 रुपए इकट्ठे करेंगे, तो हर एक फैमिली से 5,000 रुपए इकट्ठे किए जाते हैं। हाँ जी, तो मान लो 10 फैमिली है, 10 से कितने हो गए, 50,000 रुपए इकट्ठे हो गए, और वो 50,000 उठा के मैं रख लेता हूँ अपने पास क्योंकि मेरे को जरूरत थी उस 50,000 की, ठीक है। मतलब 10 में से मैं भी था, 9 वो बैठे और 10वां मैं, ठीक है, तो 10 में से उठा के मैं रख लेता हूँ अपने पास क्योंकि मेरे को जरूरत थी, मैंने उसे यूज कर लिया। अगले महीने फिर से 5,000 रुपए जोड़े जाएंगे सबसे, 50,000 फिर से इकट्ठे हो जाएंगे, मेरे से भी जोड़े जाएंगे 5,000 रुपए, तो 50,000 रुपए फिर इकट्ठे हो गए और वो फिर उठा के जिसको जरूरत होगी 9 में से उसको दिया जाएगा। यानी तेरे खेत के लिए जरूरत है तू ले जा, तेरी बेटी की शादी की जरूरत है ले जी आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से क्या करा जाता है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो खुद की इच्छा से यानी अपने ही मन से दूसरों की हेल्प करते हैं। आसान था ना, हाँ जी समझिए अब ध्यान से। तो वो क्या होते हैं, कंसिस्ट पुअर पीपल, ये गरीब इंसान होते हैं, वो सफर फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स या फिर सिमिलर प्रॉब्लम्स, जो ऐसे लोग होते हैं जो एक जैसी ही प्रॉब्लम से क्या होते हैं, जूझ रहे होते हैं। दे यूजुअली फॉर ए ग्रुप, एक सेकेंड भाई, ये फॉर नहीं है भाई, ये फॉर्म है। दे यूजुअली फॉर्म, ये बना लेते हैं एक ग्रुप सो दैट दे कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। हेल्पिंग ईच अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, अपने ग्रुप के हर एक मेंबर की हेल्प कर करके। ऐसा नहीं जैसे हम कमेटी करते थे ना, कमेटी बनाते थे कि एक दूसरे की हेल्प कर देंगे, समझे, वैसे ही। अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कई बार हमने पैसे जोड़े सबने और मान लो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी पैसों की, किसी को पैसे की जरूरत ही नहीं है, तो हम उठा के उस पैसे को बैंक में जमा कर देंगे और उस पर ब्याज कमाते रहेंगे, जब किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो ले लेगा, आसान है भाई। हाँ जी, ये सबका पैसा होता है, लेकिन एक बात हो, ये नहीं कि अगर मान लो क्या होता है, सबने 5,000 रुपए जोड़े और मेरे को जरूरत पड़ी तो फिर मैंने ले लिए, अगर 5,000 फिर सबने जोड़े फिर उसके बाद मेरे को दोबारा जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा ले लूँ, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। जब तक एक राउंड पूरा नहीं होता, सबके पास पैसे नहीं आ जाते, तब तक दूसरा बंदा पैसे नहीं ले सकता, आसान है। वरना वो उसको कर्जे की तरह लेना पड़ेगा क्योंकि उसको चुकाने पड़ेंगे, वैसे तो होता है सारी कर्जे की तरह, ठीक है, मगर एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बनाया जाता है बेसिकली सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। छूटते हैं भाई फिलहाल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, आप कैसे पहचानोगे कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होता क्या है। सबसे पहले साइज, उस साइज उसका साइज बता देगा आपको, यानी 10 से 20 मेंबर होते हैं बस इसके अंदर, ना 10 से कम होने चाहिए ना 20 से ज्यादा होने चाहिए, तो आप सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बना सकते हो 10 से 20 मेंबर्स होने के बाद, ठीक है जी। आगे चलते हैं, मेंबरशिप। अच्छा, मेंबरशिप ना यहाँ पे सबको नहीं दी जाती, फैमिली में कोई एक इंसान ही आता है और उस क्या बोलते हैं सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का क्या बन जाता है, सदस्य बन जाता है। ऐसे तो वरना पूरी फैमिली उठ के आ जाएगी तो 5 वोट तो यही ना हो जाएंगे, 5-5 यही ना ले जाएंगे सारे के सारे पैसे, तो पूरी फैमिली के हिसाब से, तो ऐसा नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे पूरी फैमिली का केवल एक मेंबर आता है और वहाँ पे सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप में बैठता है, ठीक है। हाँ जी, अपनी फैमिली के हिसाब से सारा निर्णय वही करता है वहाँ पे, ठीक है। यानी हर मतलब जितने भी मेंबर होते हैं यहाँ पे, 10 या 20 मेंबर मान लेते हैं, 10 मेंबर हैं तो 10 मेंबर जो होंगे मतलब 10 फैमिली होंगी और 10 फैमिली के एक एक सदस्य मिलकर आएंगे और वो मेंबर्स बनेंगे,
मेरी एक फैमिली में से बस एक मेंबर बनता है। मीटिंग, अच्छा यहाँ पे मीटिंग कैसे होती है भाई? यहाँ पे ना रेगुलर मीटिंग करवानी पड़ती है, हर महीने या फिर हर हफ्ते मीटिंग करवानी पड़ती है ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाए, ठीक है? रेगुलर मीटिंग होती है। बुक कीपिंग के लिए सर यहाँ पे बुक कीपिंग भी रेगुलर होती है, जैसे कि डेली बेसिस पे कि आज कितना माल बिका, आज कितना माल बिका, या फिर वीकली बेसिस पे कर लेते हैं, कई बार मंथली बेसिस पे भी हो जाती है ना? तो ऐसा काम किया जाता है किसके अंदर? सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के अंदर, बुक कीपिंग के काम पे। अच्छा आगे चलते हैं, मेजर फंक्शंस। ये जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होता है ये मेनली क्या काम करता है? पहला काम प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जो पूरे खेलते हैं अपने मेंबर्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको प्रॉब्लम है जी, आपको प्रॉब्लम हम सब मिलकर सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं आपकी, ऐसे सॉल्व की जाती है प्रॉब्लम्स, आसान है? हाँ जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपकी प्रॉब्लम हम सब मिलकर सॉल्व करेंगे, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है उसमें, आसान है? यानी कि एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही तो बनाया जाता है इसे, तो ये क्या करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग, आसान है? हाँ जी आगे चलते हैं, उल्टा पड़ लिया भाई। ये प्रमोशन सेविंग है, ठीक है, मतलब प्रमोट करते हैं किसको? सेविंग है, ये रहा प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है? हाँ जी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, आगे चलते हैं भाई, प्रमोटिंग सेविंग्स, सॉरी भाई, हाँ जी, तो प्रमोटिंग सेविंग, ये क्या करते हैं? सेविंग को प्रमोट करते हैं, जैसे मैंने बताया ना, हर किसी मेंबर से 5,000 रुपए ले लेंगे और इकट्ठा कर लेंगे, जिसकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के लिए उसको दे देंगे, फिर 5,000 रुपए अगली बाजी में के लिए, फिर किसी और दूसरे को दे देंगे, आसान है? हाँ जी, ये क्या करते हैं भाई? ये प्रमोट करते हैं किसको? सेविंग को, ये प्रमोट करते हैं कि पैसा बचाया जाए घर में, ज्यादा वेस्टेज ना हो पैसों की। आगे चलते हैं, लेंडिंग टू मेंबर्स, लेंडिंग मतलब ये पैसा उधार दे देते हैं किसी भी मेंबर्स को, ठीक है, और वो चुकाएगा कैसे? वो हर बार जो 5,000 रुपए सब दे रहे हैं वो चुकाते जा रहे हैं, यानी 10 बार देना पड़ेगा, पहले 5,000 रुपए दिए सबने, वो पैसा इसके पास चला गया, फिर 5,000 रुपए दिए सबने, फिर वो पैसा इसके पास चला गया, इस तरीके से वो हर किसी के पास क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। आसान था भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छे, चालू करते हैं फिलहाल अगला। ये सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप खत्म हो गया, बस इतना सही है, SHG बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को, शुरू करते हैं भाई। अगला आता है बिजनेस इनक्यूबेटर, ठीक है, हाँ जी, इनक्यूबेटर लेटर तो है नहीं, हाँ जी, इनक्यूबेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो बिजनेस इनक्यूबेटर्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, शुरू करते हैं। बिजनेस इनक्यूबेटर क्या होते हैं? इट इज ए वेल डिफाइंड नेटवर्क वेरिड फैसिलिटीज प्रोवाइडिंग फंडिंग सर्विस टू स्टार्टअप्स टू बियर रिस्क एंड ऑथेंटिकेट द बिजनेस प्रोपोजिशन, यानी कि बिजनेस प्रोपोजिशन यानी बिजनेस चलाने के लिए जितना भी खर्चा होता है, चाहे वो किस में हो, सर्विसेज में हो या फिर स्टार्टअप्स में हो, जो भी खर्चा होता है, जो भी रिस्क होता है, उसको बियर करने का काम कौन करता है? बिजनेस इनक्यूबेटर। यानी इनक्यूबेटर क्या हेल्प करता है? इनक्यूबेटर हेल्प करता है कि स्टार्टिंग जो बिजनेस हो रही है, यानी अगर आप कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपको फंडिंग प्रोवाइड करे, आपको प्रमोशन प्रोवाइड करे, आपको मेंटरशिप दे, आपको बताए किस तरीके से बिजनेस या फिर स्टार्टअप जो है वो चालू किया जाता है, तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी हेल्प बहुत ज्यादा हो जाती है, किसकी वजह से? बिजनेस इनक्यूबेटर की वजह से, क्योंकि वो हेल्प करता है स्टार्टिंग में बिजनेस को ग्रो करने में। आसान था भाई, हाँ जी, तो इसकी हेल्प से बहुत तेजी से आप बिजनेस ग्रो कर सकते हो, क्योंकि ये फंड भी प्रोवाइड करते हैं आपको और आपका माल सेल भी करवाते हैं, ये मार्केटिंग भी करवाते हैं, मतलब सारा काम आपका स्टार्टिंग का ये लोग देख सकते हैं आराम से। शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव, इनके क्या काम होते हैं? तो पहली चीज, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग एंटरप्राइज, किसी भी एंटरप्राइज को लॉन्च करने की जो कॉस्ट होती है उसको कम करना, समझ में आया? हाँ जी, इनका क्या काम है? जो भी कॉस्ट होती है ना एंटरप्राइज की, यानी अगर आप कोई बिजनेस चालू करना चाहते हो, कोई स्टार्टअप चालू करना चाहते हो, तो जब आप चालू करोगे ना उस टाइम पे खर्चा बहुत आएगा, तो उसकी कॉस्ट को कम से कम रखना इनकी कोशिश होती है, ये काम करते हैं उसके लिए, ठीक है। हाँ जी, अगर आप चाहते हो कोई बिजनेस खोलना तो इनसे बात करना, मेरे को नहीं पता कहाँ वो, ठीक है, लेकिन आपको ढूंढने पड़ेंगे बिजनेस इनक्यूबेटर्स, ठीक है। शुरू करते हैं, इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन न्यू एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो नए बिजनेसमैन होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम कौन करते हैं? ये लोग करते हैं, क्योंकि हेल्प प्रोवाइड करते हैं ना उन्हें। हाँ जी आगे चलते हैं, इंक्रीज द रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं आपने एक बिजनेस चालू किया जिसमें क्या होता है 5 करोड़ रुपए तक खर्चा कर सकते हो, तो ये लोग आते हैं और ये लोग बोलते हैं सर हम आपकी हेल्प कर रहे हैं बिजनेस चालू करने में, आपकी कॉस्ट कम कर रहे हैं और जो भी दिक्कतें होती है जो भी रिस्क होता है वो सब हम झेल रहे हैं, सॉरी, हाँ जी, जितना भी रिस्क होता है वो सब कौन झेल रहे हैं? हम झेल रहे हैं, जितना भी आपको खर्चा होगा वो हम झेल, मतलब थोड़ा बहुत खर्चा जो होगा वो आपका हम ही झेल लेंगे, ठीक है, थोड़ा फंड भी आपको प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे, तो वो देखता है 5 करोड़ तो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़ा बहुत और पैसा होता तो फिर बिजनेस बढ़िया डेवलप हो जाता, तो वो लोग ये हेल्प कर देते हैं 3-4 लाख, मतलब 3-4 करोड़ रुपए ये लोग प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप क्या होता है बिजनेस ग्रो कर पाओ अपन। हाँ जी, इंक्रीज द रिस्क टेकिंग एबिलिटी। आगे चलते हैं भाई, इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, ये क्या करते हैं भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को बढ़ा देते हैं, यानी कि आप जहाँ पे क्या होते हैं मान लो 10
कुर्सी लाने वाले थे, ये 10 कुर्सी लाएंगे मगर आपके लिए अच्छी ब्रांड की कुर्सी लेके आएंगे, बढ़िया माल लेके आएंगे, ताकि आपके जो क्लाइंट आते हैं वो आपसे गुस्सा होकर ना जाए। समझा? ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए डेवलप करते हैं और नेटवर्क बना के जाते हैं, यानी आप किस तरीके से माल बनाओगे, किस किस से माल खरीदोगे और किस किस को माल बेचोगे, ये आपको पहले से ही डील करवा देते हैं, सेट करवा देते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे होते हैं कस्टमर स्टार्टअप। जैसे एक स्टार्टअप इनके पास आया वो अपना माल बेचना चाहता है, एक स्टार्टअप इनके पास आया वो रॉ मटेरियल खरीद के वो आगे बेचना चाहता है किसी और को, तो वो उसका स्टार्टअप पता चल गया ना उसको माल बेचना है, तो वो क्लाइंट बनवा देते हैं इसके साथ स्टार्टअप के साथ, ये वाला स्टार्टअप इसको माल बेचेगा इस तरीके से। ठीक है भाई? हाँ जी। तो इनके पास ज्यादा ना ज्यादा बेटर रहता है किसके लिए, क्या होता है एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। शुरू करते हैं भाई स्टेजेस ऑफ इंक्यूबेटर। इंक्यूबेशन की स्टेजेस क्या होती हैं, यानी अगर आप इंक्यूबेशन चाहते हो, इंक्यूबेटर चाहते हो, तो आपकी स्टेजेस क्या होंगी, किस किस तरह के इंक्यूबेटर होते हैं। तो पहली चीज होती है प्री इंक्यूबेटर या फिर प्री इंक्यूबेशन। प्री इंक्यूबेशन क्या होता है, स्टार्टिंग में ही जैसे आप बिजनेस लॉन्च करने जा रहे हो उससे पहले ही, बिजनेस लॉन्च करने से पहले ही आपकी हेल्प करना चालू करेंगे प्री इंक्यूबेशन वाले। समझ में आया? किस चीज में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जैसे कि ट्रेनिंग में, प्लानिंग में, तो इन सब के लिए वो लोग फंड प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D। ठीक है? और उसके बाद ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद प्लानिंग के लिए कि आपको बिजनेस कैसे करना है, किस चीज के में करना है, उन सब की चीजों के लिए क्या करेंगे, लोग फंड प्रोवाइड करते हैं। आगे चलते हैं अर्ली स्टेज। दूसरा इंक्यूबेटर कौन सा आता है या फिर इंक्यूबेशन कौन सा होता है, स्टेप दूसरा होता है अर्ली स्टेज। अब मान लो आपने बिजनेस चालू कर दिया, समझ में आया, तो चालू करने के टाइम पे भी ये लोग क्या करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं, कैसे, आपकी बिजनेस की मार्केटिंग में और अकाउंटिंग प्रोसीजर में आपको जो भी दिक्कत होगी वो लोग फंड प्रोवाइड कर देंगे उसके लिए। आगे चलते हैं, अगला आता है क्लासिक इंक्यूबेशन। क्लासिक इंक्यूबेशन क्या होता है, इनके थोड़े नेटवर्क बड़े हो जाते हैं, तो ये नेटवर्क बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं, एनहेंस नेटवर्क, ये फंड प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, आपके नेटवर्क बढ़ाने में, ताकि आपके ज्यादा नेटवर्क बढ़ सके, आपके बिजनेस बढ़ सके। ठीक है? लास्ट ग्रेजुएशन। तो यानी कि ग्रेजुएशन होता है ये लास्ट स्टेज होता है इंक्यूबेशन का, जो फाइनल बिजनेस होता है या फिर फाइनल एंटरप्राइज जब बन चुकी होती है उस टाइम पे हेल्प करते हैं, यानी बड़े बड़े बिजनेसों की हेल्प करते हैं किसके लिए, गुड्स और सर्विसेज को तैयार करने में, मतलब की प्रोडक्शन करने के लिए, माल बेचने के लिए। ठीक है? हाँ जी। उनको अच्छा डेवलप करने के लिए, सिंपल बात है ना। तो इस तरीके से इंक्यूबेटर क्या होते हैं, वो हेल्प करते हैं किसकी, एंटरप्रेन्योर्स की। सिंपल था भाई? हाँ जी। अब बात आती है भाई इसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। पहला होप करता हूं आपको दिख रहा होगा, पहला एडवांटेज इससे जो बिजनेस है ना वो ग्रो होता है, बिजनेस की क्या होती है, बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। उसके बाद आपको ये जितने भी ऑब्जेक्टिव वो सारे एडवांटेज बन गए भाई, जैसे कि कॉन्फिडेंस मिल जाता है किसको, एंटरप्रेन्योर को, जैसे कि रिस्क के टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो जाता है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो कहां पे लिखते हैं आप, एडवांटेज के अंदर। तो आपको ये चार पॉइंट याद करने हैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे और यही क्या बन जाएंगे, आपके एडवांटेज। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज ज्यादा है नहीं, वैसे एक ही दो है, जैसे कि ये जो इंक्यूबेटर्स होते हैं ना स्टार्टिंग में तो हेल्प करते हैं, स्टार्टिंग में तो हेल्प करते हैं, लेकिन जब बिजनेस ग्रो हो जाता है ना एक टाइम लेके लेवल के बाद ये लोग क्या करते हैं, सर में दर्द करना चालू कर देते हैं, क्योंकि मालिक कौन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। अब वो बिजनेस को अपने तरीके से चलाना चाहता है, लेकिन ये बार बार इंक्यूबेटर आते हैं और बोलते हैं नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। भाई एंटरप्रेन्योर का स्कोप कुछ और होता है, और ये लोग बार बार तंग करना चालू कर देते हैं या फिर बिजनेस में इंटरफेयर करना चालू कर देते हैं ये लोग। समझ में आया? बस इनकी क्या होती है, बस यही डिसएडवांटेज होती है कि बाद में जब आपका बिजनेस ग्रो जाता है तो आपको उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि बाद में ये लोग अपने हिसाब से चेंज करते हैं, क्योंकि उनका काम ही वही है ना भाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, फ्यूचर में जो जो चेंजेस आ रहे हैं उनको क्या होते हैं अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करवाना। ठीक है? लेकिन भाई ये क्या होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स आता है उस तरीके से काम थोड़ा मुश्किल हो पाता है। ठीक है? क्योंकि इनका प्लान्स अलग होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के प्लान्स अलग होते हैं, वो अपने तरीके से चलाना चाहता है। तो ये बात रहती है बस इंक्यूबेटर्स के साथ, स्टार्टिंग में ठीक होता है, बढ़िया होता है, अच्छा काम चल रहा होता है, लेकिन एंड तक जाते जाते थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है भाई? तो यहाँ पे खत्म होता है आप गए भाई सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप और इंक्यूबेटर्स का, बिजनेस इंक्यूबेटर्स का। अब चालू करेंगे एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, ठीक है, और बाकी चीजें। तो भाई हाँ, तो शुरू करते हैं। अच्छा, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है? हाँ जी, बहुत अच्छे, आपको कम से मिनिमम पेमेंट करके आपको नोट्स मिल जाएंगे आराम से। भाई कॉल मत करना, व्हाट्सअप करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। ठीक है? तो अगर आप चाहते हो नोट्स परचेज करना तो कॉन्टैक्ट, ठीक है सर, तो आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल चालू करते हैं, चालू नहीं मतलब खत्म करते हैं। और एक चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है? जरूरी नहीं है अभी बाद में कर दी आराम तक, कोई आफत नहीं आ रही है। ठीक है जी? तो शुरू करते हैं अगली स्लाइड पे। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं और फटाफट से खत्म करते हैं आपका चैप्टर। ठीक है? हाँ जी।
तो चल रहे हैं, आता है टॉपिक जिसका नाम है एंजल इन्वेस्टर। अब एंजल इन्वेस्टर क्या है, सीधी बात ये समझिए, जो बड़े बड़े इंसान होते हैं, जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, वो छोटे छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो छोटे इंटरप्रेन्योर्स होते हैं या फिर जो छोटे बिजनेस होते हैं, उनके लिए वो एक एंजल की तरह होता है कि भाई इतना बड़ा इंसान मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, ऐसे इंसान जिनकी नेटवर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और वो किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस स्टार्टअप के लिए वो जो इन्वेस्टर्स है या फिर जो बड़ा इंसान है वो बन जाता है एंजल इन्वेस्टर। आसान है, सिंपल, वही डेफिनेशन लिखी हुई है, दे आर द इन्वेस्टर्स हैविंग हाई लेवल ऑफ नेटवर्थ। इनकी ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास हाई लेवल ऑफ नेटवर्थ है एंड इंटरेस्टिंग इन प्रोवाइडिंग फंड, और वो इंटरेस्टिंग है किस में, फंड प्रोवाइड करने में टू द एंटरप्रेन्योर्स। वो किसको, एंटरप्रेन्योर्स को। ऐसा ना, ऐसे लोग जिनके पास क्या होते हैं नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है इस वजह से, और क्या होता है वो इन्वेस्टर्स को पैसे देने के लिए तैयार है, तो इस वजह से वो क्या बन जाते हैं, एंजल इन्वेस्टर बन जाते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्ट करते रहते हैं नए नए स्टार्टअप्स में। ठीक है भाई, हाँ जी, शुरू करते हैं फटाफट से कि टाइप्स ऑफ एंजल इन्वेस्टर। अब ये जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं ये कितने तरह के होते हैं, ये चीज़ सीखनी है, तो समझिए ध्यान से। पहला होता है कॉर्पोरेट एंजल्स। कॉर्पोरेट एंजल्स क्या होता है, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कंपनी है पूरी की पूरी जो बड़ी हो चुकी है काफी ज्यादा, एक बड़ी कंपनी। अगर कोई छोटी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है तो छोटी कंपनी के लिए बड़ी कंपनी जो है वो क्या बन जाएगी, एंजल इन्वेस्टर, क्योंकि एक इंसान ने इन्वेस्ट नहीं किया, पूरी कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, तो जो कंपनी है उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट एंजल। क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट एंजल। कोई बड़ा बिजनेस अगर छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो बड़ा बिजनेस जो होता है वो क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर होता है, किसके लिए, छोटे बिजनेस के लिए। शुरू करते हैं इंटरप्रेन्योरियल एजेंट, मतलब कि एक इंटरप्रेन्योर जो होता है, यानी कि एक बिजनेसमैन जो होता है, जैसे टाटा सर या फिर अंबानी सर मान लो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर मैं बड़ा इंसान बन जाऊँ, तो मेरे लिए एंजल इन्वेस्टर बन जाएंगे वो लोग। आसान है, कोई इंटरप्रेन्योर एंजल इन्वेस्टर हो सकता है। आगे चलते हैं भाई, अगला आता है, हाँ जी, एंथ्यूजियास्टिक एंजल। कौन सा एंजल, ऐसा एंजल जो एंथ्यूजियास्टिक है, यानी कि अपने ही बिजनेस में हैगा, लेकिन वो क्या करता है, घर से इतना सारा पैसा ला सकता है कि वो क्या करता है, एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है या फिर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है काफी तेजी से। तो इस तरह के जो एंथ्यूजियास्टिक लोग होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एंजल इन्वेस्टर का काम करते हैं। आसान है, यानी कि अपने ही बिजनेस में, जैसे मेरा बिजनेस है और मैं घर से इतना सारा पैसा तो ला नहीं सकता, लेकिन कोई इंसान ला सकता है घर से इतना सारा पैसा, तो कि बिजनेस क्या उसके ग्रो उसके, उसी को बोलते हैं एंथुसियास्टिक एंजल। आगे चलते हैं भाई, माइक्रो मैनेजमेंट एंजल। माइक्रो मैनेजमेंट एंजल कौन से होते हैं, ऐसे एंजल होते हैं जो छोटे छोटे, मतलब है तो छोटे ही लेवल पे अभी, लेकिन इतने बड़े भी नहीं हुए, ठीक है, लेकिन क्या हो गया, वो क्या होता है, छोटी छोटी कंपनियों को ओन करते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियों को ओन कर रखा है, बहुत सारी कंपनियों को ले रखा है, तो इस तरह के लोग क्या करते हैं, वो किसी और बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो लोग भी क्या बन जाते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट एंजल। आसान है, मतलब कि है भाई उनकी नेटवर्क छोटी है, लेकिन वो किस तरह से है, मतलब वो बड़े हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि वो ऐसे ऐसे बिजनेस में, बहुत सारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तो बड़ा इंसान कोई एक बिजनेस में इन्वेस्ट करे, और एक ऐसा इंसान इन्वेस्ट करे जिसने बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों को सहारा दे रखा है, वैसा इंसान अगर इन्वेस्ट करता है किसी नए बिजनेस में, वो भी क्या कहलाता है, एंजल इन्वेस्टर। बेसिक से उतना पैसा नहीं लगा पा रहा, मगर ये बात होती है भाई, छोटे छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब वो सपोर्ट देता है, तो जो बाकी छोटे छोटे बिजनेस है ना, वो एक तरीके से उसके कस्टमर या फिर जो प्रोड्यूसर है या फिर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले, वो लोग बन सकते हैं। तो इस वजह से वो भी क्या होता है, एक तरीके से एंजल इन्वेस्टर कहलाता है, किसका, माइक्रो मैनेजमेंट एंजल। आज आगे चलते हैं, प्रोफेशनल एंजल। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो प्रोफेशनली काम करते हैं कि भाई हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमको इतने परसेंट रिटर्न चाहिए इसके बदले में, तो ऐसे लोगों के पास अगर आप जाते हो तो वो प्रोफेशनल एंजल बन जाते हैं। आसान है, तो मतलब एंजल बस बेसिकली ये होता है कि कोई बड़ा इंसान अगर किसी छोटे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो एंजल बन जाएगा उसके लिए। शुरू करते हैं, अगला आता है भाई वेंचर कैपिटल। अब वेंचर कैपिटल क्या होती है, इट इज ए फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड ए टाइप ऑफ फाइनेंसिंग दैट इन्वेस्टर प्रोवाइड्स द स्टार्टअप कंपनीज एंड स्मॉल बिजनेसेस दैट आर बिलीव्ड टू हैव लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड पोटेंशियल। वेंचर कैपिटल क्या होता है, वो पैसा या फिर वो राशि जो हमने किसी बिजनेस में लगाई है, किसके लिए, उसकी इक्विटी के लिए, उसके मालिक बनने के लिए। आसान है, यानी जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया ताकि क्या देखे, ताकि वो बिजनेस क्या उसका है, वो ग्रो हो सकता है, वो पैसा बढ़ सकता है, मेरे को प्रॉफिट हो सकता है, यानी बिजनेस में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो बिजनेस के पोटेंशियल को देख के जो पैसा आप लगाते हो उसे क्या बोलते हैं भाई, वेंचर कैपिटल। जैसे एंजल इन्वेस्टर जो होता है जितना भी पैसा लगाता है किसके अंदर, स्टार्टअप्स के अंदर, तो उसको बोला जाता है क्या, वेंचर कैपिटल।
आसान है, जो पैसा लगाता है उसे बोलते हैं क्या, एंजल इन्वेस्टर, और जितना पैसा लगाया जाता है उस कैपिटल को क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटल, क्योंकि वो पैसा बिजनेसमैन की नहीं होती, एंटरप्रेन्योर की नहीं होती, स्टार्टअप वाले की नहीं है, वो किसका पैसा है, वो पैसा है इनका, इसलिए वो क्या मान के चलेगा, वेंचर कैपिटल, कि हमने कैपिटल लेके आई है, वो भी कहां से, वेंचर से, बड़े एंजल इन्वेस्टर से। आसान है, हाँ जी। अब कुछ गाइडलाइंस बना रखी हैं, क्या बोलते हैं आरबीआई ने, ताकि क्या बोलते हैं किसी के साथ फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है, कैपिटल लेके भाग ना जाए वो, तो इस वजह से क्या गाइडलाइंस है वो देखिए ध्यान से। पहली चीज, मिनिमम साइज कितना, 10 करोड़, आपके पास मिनिमम साइज का जो आपका बिजनेस है वो 10 करोड़ होना चाहिए, तभी आप कैपिटल मांग सकते हो किसी से। दूसरी चीज, प्रमोशन, मतलब क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स के शेयर कितने होने चाहिए, 40% होने चाहिए कम से कम, यानी जो प्रमोटर है, जो फिर एंटरप्रेन्योर है, फिर जो बिजनेसमैन है, उसके पास कम से कम 40% शेयर होने चाहिए, तभी आप किसी से वेंचर कैपिटल मांग सकते हो। अच्छा, वेंचर कैपिटल समझिए, शार्क टैंक एक शो आया था, बहुत ज्यादा हिट हुआ था, हाँ जी। तो शार्क टैंक में जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, जितना भी पैसा लगाते हैं स्टार्टअप्स में अंदर, वो बनते हैं एंजल इन्वेस्टर। आसान है, हाँ जी। और जितना पैसा लगाया जाता है उस पैसे को बोलते हैं वेंचर कैपिटल। आसान है, जो मालिक का ना हक देता है उस बिजनेस का, सिंपल बात है। और वो कब लगाते हैं, वो कम से कम बिजनेस जो होना चाहिए उनका, वो कितना होना चाहिए, 10 करोड़। 10 करोड़ से ऊपर वाले बिजनेस ही क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटल या फिर एंजल इन्वेस्टर को बुला पाते हैं। आपने देखा होगा शार्क टैंक, कभी भी 10 करोड़ से नीचे वाला बिजनेस कोई आता ही नहीं उसके अंदर, सारे के सारे बिजनेस क्या होते हैं, 10 करोड़ से ऊपर वाले। शुरू करते हैं, प्रमोट शेयर मोर, मतलब सॉरी क्या कह रहा हूँ, प्रमोट जो होते हैं ना प्रमोटर्स, उनके जो शेयर है वो मिनिमम कम से कम कितने होने चाहिए उनके पास, 40% होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए, वरना आप कर ही नहीं सकते वेंचर कैपिटल, अपने इशू ही नहीं कर सकते इक्विटी। शुरू करते हैं, हाँ जी। उसके बाद क्या आता है, फॉरन होल्डिंग, यानी क्या होते हैं, विदेशी होल्डिंग, यानी अगर विदेशों से पैसा भी ले रखा है आपने, तो वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 25% होना चाहिए, इससे ज्यादा फॉरन इक्विटी नहीं होनी चाहिए आपके पास। आगे चलते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो आपको कितना होना चाहिए, 1:1.5। डेप्ट इक्विटी रेशियो मतलब होता है डेप्ट अपॉन में इक्विटी, यानी कि इक्विटी मतलब होता है भाई, मतलब कि शेयर कैपिटल, या फिर मान लो जितना भी आपने पैसा लगाया, तो आपने जो पैसा लगाया वो 1.5 गुना होना चाहिए किसका, जो आपने कर्जा ले रखा है, जैसे आपने बैंक लोन ले रखा है या फिर डिबेंचर इशू कर सके, जितना भी आपके पास कर्जा है उसका 1.5 गुना होना चाहिए क्या, आपकी इक्विटी, यानी अगर मान लो बिजनेस डूबता भी है तब भी आपके पास इक्विटी ज्यादा है, आप आराम से चुका सकते हो उस पैसे को। आसान था ना भाई, हाँ जी। शुरू करते हैं, आगे चलते हैं, बात आती है एडवांटेजेस इन इंडिया, अगर आप इंडिया में बिजनेस करना चाहते हो तो आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, पता है इसमें अलग अलग सेक्टर्स हैं जिन्होंने अलग अलग कंट्रीब्यूशन कर रखा है इंडिया की जीडीपी में। वैसे भाई ये जो है ना डाटा वाले कंसेप्ट हैं, और डाटा वाले कंसेप्ट अगर ना ही लिखो ना पेपर में तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर सही हो गया तब तो नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर गलत हो गया तो नंबर कट जाते हैं बहुत ज्यादा, और गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से आप ये लिखते हो कि हमारा ग्रोथ बढ़ रहा था या फिर ये चीज घट रही थी, बढ़ना घटना लिख देना, ये डाटा एक्यूरेट मतलब लिख के आना, ठीक है। शुरू करते हैं, अगला चलते हैं, हाँ जी। तो क्या कह रहा है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो इंडिया में तो क्या क्या पोटेंशियल है इंडिया में, उसके बारे में बात करते हैं। फॉर ऑटोमोबाइल्स, अगर आप ऑटोमोबाइल्स में बिजनेस करना चाहते हो तो क्या डाटा है, 6th largest प्रोड्यूसर है हमारे देश में, हमारा जो देश है ना इंडिया, ये 6th level पे सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो भी कब, 24 मिलियन प्रोडक्शन करी थी हमने ऑटोमोबाइल्स, कितनी बनाई थी 24 मिलियन, वो भी कब, 2016 में। तो 2016 में 6th largest प्रोड्यूसर था हमारा देश इंडिया, वो भी किस में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में। आगे चलते हैं, 5th largest पैसेंजर, यानी हमारे देश में जितने भी पैसेंजर हैं, जितने भी लोग सवारी करते हैं ऑटोमोबाइल्स की या फिर गाड़ियों की बसों की, हाँ जी, वो कितने हैं, 5th largest है पूरे वर्ल्ड के अंदर, है ना, वो भी कितने के साथ, मतलब वो नहीं दे रखा भाई, कंट्रीब्यूट 7.1% ऑफ जीडीपी, जो लोग क्या करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, ये जो कौन सा सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये 7.1% जो जीडीपी में है वो कॉन्ट्रीब्यूशन देता है अपना, तो इतना बड़ा हमारा क्या है ऑटोमोबाइल सेक्टर। आगे चलते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ठीक है, हाँ जी। तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी के बारे में समझते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक काम होता है या फिर पावर का या फिर TDPR या फिर NDPR, ये जो चीज़ें हैं मतलब पावर का जो काम करते हैं उनके बारे में समझिए। मार्केट ग्रोथ, पिछले 10 सालों में मार्केट ग्रोथ हर साल कितने परसेंट से हुई है, 11.1% से, हर साल मार्केट 11.1% से ग्रो हुई है हमारी चीज़, मतलब डिमांड हमारे देश के अंदर पावर्स की, हाँ जी। डोमेस्टिक पावर इंडस्ट्री, मतलब कि डोमेस्टिक पावर इंडस्ट्री जो घरों में डिमांड करी जाती है पावर की, वो हर बार हर साल 11.9% से ग्रो हुई है हर 10 साल में, ठीक है जी, हाँ जी। एक्सपोर्ट हमारे देश का, मतलब हम विदेशों में भी पावर सप्लाई करते हैं ना, तो इस वजह से वो कितना परसेंट से ग्रो हुआ है, 18.6% से ग्रो हुआ है असल में, हाँ जी। इसके अलावा कुछ स्टार्टअप्स के बारे में बता रखा है आपकी बुक के अंदर, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया या फिर अमेजोन हो गया, तो इनके बारे में पढ़ जाना, वैसे ऐसे पेपर में आते ही नहीं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, हाँ जी। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के बारे में तो बाकी आप पढ़ जाना, गूगल पे चेक कर लेना डिटेल क्या था, कि कौन सी बना था, कब क्या हुआ था, ठीक है। फ्लिपकार्ट और उसके बारे में ज्यादा जानकारी आराम से मिल जाएगी, और एक हाँ इस चैप्टर में भाई, एक इस चैप्टर में भी और बाकी चैप्टर में मेक इन इंडिया प्लान जो है ना उसके बारे में पढ़ जाना, क्योंकि आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की बुक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपके लिए मेक इन इंडिया प्लान जो होगा सबसे बेस्ट रहेगा, तो आपको उसके बारे में ज्यादा पता होना चाहिए।
ठीक है भाई। हाँ जी, तो बस आज का खत्म होता है बस चैप्टर यहाँ पे, तो आज के लिए बस नहीं। अच्छा, किसी को नोट्स परचेज करने तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नोट्स परचेज कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से बाद में कर देना आराम से, ठीक है। हम भी कहीं नहीं जा रहे, आप भी कहीं नहीं जा रहे, कोई आप थोड़ी ना आ रही है। हाँ जी, आराम से कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कह रहा था, अब कुछ नहीं कह रहा था भाई। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय।